इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रुद्राक्ष का प्रभाव मन के ऊपर में मेंटल इश्यूज के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइट और स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए मन, जैसा हमारा मन संसार वैसा दिखता है। हम दुखी है तो सारा संसार दुखी दिखता है, हम खुश है तो सब कुछ हमको खुशहाल नजर आती है, हम चिड़े हुए होते हैं तो हम गुड मॉर्निंग भी कहता हम चिड़ जाते हैं, लगता है कि कमेंट कर रहा है, हो सकता है कि हम टॉन्ट कर रहा है, ऐसा लगता है हमको। तो हमारी मनोदशा जैसे होती है उसी प्रकार से हम संबंध बनाते हैं या बिगाड़ लेते हैं। काम में उन्नति करते हैं अवनति हो जाती है, गुस्से में कुछ कह जाते हैं उसका परिणाम भुगतना पड़ता है जिंदगी भर। लोगों की नौकरी चली जाती है, डिवोर्स तक हो जाते हैं, धन की हानि हो जाती है, रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सब मन का खेल है, मन से संसार बनता है। तो मन के ऊपर में रुद्राक्ष किस प्रकार प्रभाव होता है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, अंत तक देखिएगा। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है, अनायास क्रोधाग्नि में आप एकदम जल जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं तो छह मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। यदि आपके मन में भय है, फियर है, डरते हैं, डरपोक हैं, आलसी हैं, लेजी हैं तो आप भी छह मुखी ही पहनिएगा, यह मंगल के लिए होता है। यदि मन में उतावलापन है, घर से भाग जाने का मन करता है, लगता है कि पागल हो जाए, सत्ता की भूख बहुत सताती है, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं आप और अति हो गई है ये इस प्रकार की भावना, कुछ लोग तो घर से भाग जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति जब पैदा हो जाए, मन में उन्माद जगे, लगे किसका मर्डर कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो ध्यान रखिएगा नौ मुखी रुद्राक्ष, छह और नौ मुखी को जोड़ लेंगे तो बहुत ही होगा, अच्छा होगा इन सभी मेंटल इश्यूज के लिए। जब तक हमारे में डिप्रेशन है, उदास है, अवसन्न है, क्षीण है, कुछ करने का मन नहीं करता है तो दो मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा। यदि मन में अवसाद इस बात का है कि सेक्स के प्रति रुचि नहीं होती है, प्रणय के प्रति मन में कुछ जगता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, मतलब पति पत्नी सहवास करने को तैयार ही नहीं होते, मन जाता ही नहीं उस तरफ, तो मन में उल्लास कैसे पैदा होगा, आनंद जीवन में बस कैसे पैदा होगा, सेक्स तो आधार है। यदि ऐसी से आपको है और आप जानते हैं कि ये जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है या सेक्सुअल डिसफंक्शन है या फिजिलिटी है, ये सब माइंड में, कहते रहेंगे सेक्स इज नॉट बिटवीन योर टू लेग्स, इट इज इन द माइंड, सिर में है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें जो स्राव होता है, हार्मोन्स वगैरह स्राव होते हैं, उसी से ही आपका सेक्सुअल भावना जागृत होती है। तो ये सब मन का खेल है, मन में फियर हो, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कि तीन साल चार साल शादी के हो गए लेकिन अभी तक कंज्यूमेट हुआ ही नहीं है, मतलब सेक्स हुआ ही नहीं है, उनको डर लगा रहता है कि यदि मैं सेक्स में जैसे उतरूंगा तो मेरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा और मेरी भद पिट जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये डर के बारे में सहवास करते ही नहीं है, सेक्स करते ही नहीं है पत्नी के साथ, फिर डिवोर्स हो जाता है कि बात खुल जाती है। ऐसी कोई भी आपको इशू हो तो सात मुखी और तेरह मुखी, सेवन एंड थर्टीन मुखी शुक्र के लिए पहनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। यदि आपके मन में बहुत सारा स्ट्रेस एंग्जाइटी है, आप स्ट्रेस एंग्जाइटी को हैंडल करने में आपको दिक्कतें होती हैं, उदाहरण के तौर पे आपका एक टेलीफोन का बिल आ गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, वाटर का बिल आ गया, अब देना है 29 तारीख को, आज है 20 तारीख, टेंशन चालू, हर एक चीज पे आप टेंशन ले लेते हैं, हर एक चीज पे कहते हैं यार क्या है यार, टेंशन से जिंदगी भरी हुई है, अरे भैया मुझे टेंशन मत दो, हरदम टेंस रहते हैं, बातों बातों में आपको स्ट्रेस पैदा हो जाता है, एंग्जाइटी पैदा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, आपको पहनना है पांच मुखी, तीन मुखी और बारह मुखी, तीन पांच बारह, ये पहनिए। यदि आपके मन में दुख का अंबार है, दुख के सागर में डूबे हुए हैं आप, मन में बहुत सारी जेलसी है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, लगता है कि यार मुझे कोई लाइक नहीं करता है, यह ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि सब मुझे लाइक करते हैं, दूसरा एक्सट्रीम है ये, आपको लगता है कि आप सबसे बड़े हीरो हैं, सभी लड़के आप पे मरती हैं, या लड़कियां तो कहें सभी लड़के मुझ पे मरते हैं, वो भी एक अदर एक्सट्रीम है, दूसरा है कि मुझे कोई देखता है नहीं है,
मैं सुंदर हूं ही नहीं, मुझे कोई लाइक नहीं करता है, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है, प्रेम जिंदगी में होगा ही नहीं। तो ये एक्सट्रीम भावनाएं हैं, या दूसरों को देख के जलना कूड़ना, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहना, ये सभी चीजों के लिए जो इमोशंस की बातें हो रही हैं, ये आपके दिल में होता है। हार्ट इज द सीट ऑफ इमोशंस। 15 मुखी रुद्राक्ष पहने का तो बहुत फायदा होगा। आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मन की बातें प्रकट करने में आपको असुविधा होती है, जो कहना चाहते हैं कहते कहते रुक जाते हैं, फिर लगता है कि मैं कह नहीं पाया। बार बार पूछते हैं कि एम आई करेक्ट, डू यू लिसन टू मी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। लोगों से पूछते हैं एम आई क्लियर, समझ रहे हो ना, इस प्रकार के आप शब्दों का चयन करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, विशुद्धि चक्र में फिल्टर में प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको पहनना होगा 15 मुखी और 17 मुखी कॉम्बिनेशन। यदि आप अपने भविष्य के बारे में कुछ भी कल्पना कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, एम्बिशियस आप एकदम ही नहीं है, आप कंफ्यूजन में डूबे रहते हैं, कुछ भी आपको प्लानिंग करने के लिए बोला जाए आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है, एक इनर्सी आपको घेर लेती है, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, तो इसमें क्या होने वाला है कि आप प्लान कैसे करेंगे। जीवन में यदि एम्बिशन ही नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं आपको मालूम ही नहीं है, तो आप पहुँचेंगे कैसे। यदि आपको ऐसा कुछ इशू है, 17 मुखी रुद्राक्ष पहनिएगा जो थर्ड आई में काम करता है। यदि आपको मन में बहुत एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, बहुत एंग्शियस रहते हैं आप, उलझ जुलझ दिमाग में बातें आती रहती हैं, उलझ जुलझ चिंताओं से आप घिरे रहते हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कंफ्यूज स्टेट में रहना, एंग्शियस स्टेट में रहना, इन सभी चीजों के लिए आपको मदद करने वाला है 8 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आपके क्राउन चक्र में काम करता है। इसी प्रकार से रुद्राक्ष आपके माइंड को, मेंटल स्टेट को प्रभावित करते हैं। इस जो उदाहरण मैंने दिया हुआ है, इसके रूप में आप उसको पहन सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक परामर्श करना चाहते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9845124158 पे। और वेबसाइट का विवरण नीचे दिया गया है, उसको देखिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। अब विदा लेता हूँ आप समय, वी कमांडर संतोष शर्मा, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।